प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिटरमिनेंट 3x3 का डिटरमिनेंट हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है, और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये देख लिया था। आज हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है, एक्चुअली में हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक होता है टर्म माइनस, ठीक, माइनस जिसको एम से डिनोट करते हैं, सॉरी, ठीक है। अगला जो टर्म है वो है कोफैक्टर, ठीक है, इसको सी से डिफाइन करते हैं। एक्चुअली माइनर और कोफैक्टर कोई ना कोई टर्म होंगे, ठीक है, वो 3x3 का या 4x4 का जो भी होगा, ठीक है, स्क्वायर डिटरमिनेंट का, तो इसको आई जे से अगर हम लोग डिनोट कर दें तो काफी बेहतरीन रहेगा, ठीक है, समझने में भी आसानी होगी। माइनस और कोफैक्टर्स अब हम यूज क्यों करते हैं ये जानने वाली बात होगी, ठीक है। एक्चुअली माइनस एंड कोफैक्टर्स का यूज हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए करते हैं, आइदर 2x2 हो या 3x3 हो, व्हाटएवर, ठीक है। माइनस और कोफैक्टर्स, अब देखते हैं कि माइनस और कोफैक्टर्स में डिफरेंस क्या है और कैसे निकाला जाएगा, ठीक। चलिए पहले माइनस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे कि माइनस निकाला कैसे जाएगा, एक एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक ऑर्डर 3 का एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है भैया, बहुत अच्छे से, ठीक। अभी अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो एक्चुअली में वैल्यू जो होती है वो डेल्टा नाम के सिंबल से, दिस वन इज द डेल्टा, ठीक, डेल्टा नाम के सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, माइनस, ठीक ठीक। अब माइनस में हम लोग एम आई जे की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक। अब माइनस किसी न किसी रो के रिस्पेक्ट में निकलेगा, ठीक है, या किसी न किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकलेगा। हम यहाँ पर इनिशियली, ठीक है, रो वन के रिस्पेक्ट में पिछली बार हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, तो ठीक है, रो वन के रिस्पेक्ट में हम लोग, ठीक है, एम आई जे की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए एम आई जे का आई और जे का मतलब क्या होता है अभी सुन लीजिए, ठीक है। ए वन वन जो है, यहाँ पर ए वन वन का मतलब क्या हो रहा है, ए आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है, देन दिस वन इज कॉल्ड ए वन वन, ठीक है। मीन्स क्या हो रहा है, A11 हमको ये डिनोट करता है कि ये जो टर्म है, ठीक है, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, ठीक। अब हम एम आई जे जो निकालने वाले हैं, ठीक है, वो आई और जे की वैल्यू ये बताएगी हमको कि हम किस रो के रिस्पेक्ट में, ठीक है, माइनर निकालने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम M11 की, ठीक भैया, पुराना कहानी है पूरी तरीके से वही कि हाइड एंड सीक वाली कहानी है, ठीक। जिस भी M11 की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो ठीक है, कुछ ऐसा वन वन वाला टर्म यही है हमारा, ठीक है। मीन्स ये वाला जो टर्म है A11, ठीक है, ये M I J मतलब M11 की वैल्यू को निकालेगा, ठीक। निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, इस वाले टर्म को क्या करेंगे, हाइड करेंगे, ठीक, और इसके रिस्पेक्ट में रो एंड कॉलम दोनों को हाइड करेंगे, पहले ये हाइड किया देन ये हाइड किया, मीन्स क्या होगा, वैल्यू जो निकलेगी हमारे पास में ये होगी, ठीक है। चलिए M11 की जो वैल्यू होगी वो एक 2x2 का डिटर्मिनेंट होगा, चलिए वो क्या होगा, वो हमारी वैल्यू होगी A22, A23, A32 एंड A33, ठीक है। दोस्तों अगर हम लोग A11 लिए हैं, ठीक है, मतलब M11 निकाले हैं, ठीक है, मींस पहले रो पहले कॉलम पे गए हैं, तो या तो हमारे पास में पहले रो को हम लोग कंसीडर करेंगे या तो फिर पहले कॉलम को कंसीडर कर लेंगे। चलिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी रो को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, मींस रो के रिस्पेक्ट में हम लोग माइनस को निकाल रहे हैं, ठीक। चलिए M11 निकल चुका है हमारे पास में, अब निकाल लेते हैं M12। M12 मींस क्या हुआ, सेकेंड वाला टर्म, ठीक। अब सेकेंड वाला टर्म निकालेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो सेकेंड वाला टर्म है ये माइनस साइन कंसीडर करता है, ठीक है। अगर इसी के रिस्पेक्ट में और भी देख लेते हैं, अगर थर्ड वाले में मींस A21 की बात करेंगे, A22 की बात करेंगे, A23 की बात करेंगे, ठीक है, A31, A32, A33 की बात करेंगे, तो साइन कन्वेंशन कुछ अलग सा चलता है, कैसे होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना जानना जरूरी है कि हमारा अगर A12 मींस M12 निकालेंगे तो इसका जो साइन होगा वो कुछ माइनस साइन के साथ में आएगा,
ठीक है, माइनस साइन के साथ में क्या आएगा देख लेते हैं। ठीक, a12 की बात कर रहे हैं हम, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला हाइट और ये वाला हाइट, ठीक, मींस क्या होगा, ये पूरी और ये वाली चीज हाइट हो गई है। मिलेगा क्या, मिलेगा हमको ये वाले दोनों टर्म और ये वाले दोनों टर्म। ठीक है, लिख लेते हैं a21 a23 a31 और लास्ट वाला a33। ठीक, अभी m11 निकल चुका है, m12 निकल चुका है, ठीक है, अब m13 निकालेंगे। ठीक, a13 भी लिख रहा है, m13 भी लिख चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि साइन कन्वेंशन, ठीक है, या तो आप ये कर सकते हो कि जब माइनस निकालो उसी वक्त साइन लगा दो, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया माइनस क्या है, ठीक है, तो माइनस में आप ये साइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, जब डेल्टा आप निकालो, ठीक है, उस टाइम पर आप साइन लगाओ। ठीक है, तो अभी हम लोग ये साइन हाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा हमारे पास में कि माइनस निकालिए, तो आप माइनस कुछ ऐसा निकालेंगे m11 m12 m13। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि m11 m12 m13 निकालें कैसे हम। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, m21 m22 m3, ठीक है, m23, ठीक है, m31 m32 m33। ठीक है, माइनस होंगे। अच्छा, ठीक है, अब डेल्टा निकालना। ठीक है, डेल्टा कैसे निकलता है माइनस से। ठीक, डेल्टा निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ठीक है, जितने निकले हुए हैं, ठीक है, अभी हमारे पास में m11 है, m12 है, m13 है, मींस पहले रो के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके थ्रू जब भी हमको डेल्टा निकालना होगा, तो पहले क्या करेंगे, हम एलिमेंट को लिखेंगे। मींस m11 लिखा हुआ है ना, तो m11 के रिस्पेक्ट में एलिमेंट क्या है, a11 है हमारे पास में। ठीक है, चलिए डेल्टा की जो वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a11, इसका साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा माइनस निकला हुआ है, मींस m11। ठीक है, तो हम इसको ना लिख के ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा a12 आएगा, m12 निकला हुआ है। ठीक, और a12 की साइन माइनस होती है, चलिए माइनस का साइन लगा देंगे और a12 लिखेंगे। ठीक, अब m11 हो गया है और इसके रिस्पेक्ट में m12 लिख दीजिए। a13 साइन पॉजिटिव होता है, चलिए साइन पॉजिटिव हो गया, a13 लिख दिया। और ठीक है, अभी डेटा एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फर्दर फॉर्मूला क्या हो सकता है हमारे पास में, कि डेल्टा निकालिए आप इस रो के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस रो के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, देख लीजिए फॉर्मूला, ये माइनस होता है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, ठीक है, इसका साइन माइनस होता है और इसका साइन माइनस होता है, मींस a21 a23 का माइनस साइन होता है। थर्ड रो की बात करते हैं, ठीक है, सेम एज द फर्स्ट रो, मींस दिस वन विल बी माइनस। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, अगर सेकेंड रो की बात करेंगे हम, तो माइनस के साथ में क्या a21, और उसके बाद में इसके रिस्पेक्ट में हमारा माइनर जो होगा, माइनर क्या होगा m21। ठीक है, फिर ये वाला साइन पॉजिटिव, मींस a22, देन माइनर m22। ठीक है, लास्ट वाला साइन नेगेटिव, दैट विल बी माइनस a23 एंड लास्ट वन। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं थर्ड वाले के टर्म में। तो पहला a31 माइनस साइन a32 प्लस का साइन a33। बहुत आसान है, मतलब इसमें जो ध्यान देने वाली बात होती है वो है साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, पहले ही बता चुका है हम। ठीक है, अब हमको अगर डेल्टा निकालना होगा, तो ये, ठीक है, ये तरीका है माइनस से निकालने का डेल्टा। गाइस, अगर हम लोग बात करें कि कैसे हम लोगों ने पिछला सॉल्व किया था, वो चीज हम लोगों ने सॉल्व तो इसी से किया था, लेकिन वहां पर हम लोगों ने बस टर्म का नाम नहीं दिया था कि माइनस होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के बात हो चुकी है, ठीक है, तो कोफैक्टर की बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। ठीक, गाइस, हम लोगों ने माइनर के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, कि जिसको कुछ ऐसे एम आई जे से डिनोट करते थे, ठीक है, वेयर आई जे इज द इंडेक्सिंग होती थी। ठीक है, अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कोफैक्टर की, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं, और इसको एक्चुअली में, ठीक है, इसका भी इंडेक्सिंग आई जे के थ्रू होता है। ठीक, अब कोफैक्टर जब भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो कोफैक्टर का एक्चुअली में जस्ट रिलेशन है माइनस, मीन्स क्या होगा, अगर आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं तो आपको क्या करना होगा, माइनस निकालना होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि कोफैक्टर यूज क्यों होता है। कोफैक्टर यूज इसलिए होता है भाई कि डेल्टा निकालना हमको, और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी डिटरमिनेंट का, ठीक है, सोल्यूशन होता है। चलिए
डेल्टा निकालने के लिए हम लोग अगर कोफैक्टर निकालने वाले हैं तो जो इसका फार्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, सी आई जी इक्वल टू माइनस वन के पावर, ठीक है, आई जे, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। अब सॉरी ये थोड़ा सा आई प्लस जे होगा, मीन्स क्या हुआ, माइनस वन के पावर आई प्लस जे और ठीक है यम आई जे, ये हमारे पास में क्या है, को फैक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपके बुक में कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, और जैसा कि इनमें में बार बार क्वेश्चन यही आता है कि को फैक्टर्स आप निकाल दीजिए, ठीक है, को फैक्टर्स कभी भी डेल्टा वगैरह इतना सॉल्व करने के लिए देता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे किस में, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर केवल सीखेंगे कि निकाला कैसे जाता है, ठीक है। आप लोगों को यम आई जे की वैल्यू निकालनी बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, को फैक्टर्स निकालना है तो हम यहाँ पर बस केवल ये बता रहे हैं कि को फैक्टर्स निकाला कैसे जाता है, ठीक है, और उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है। आई जे की बात करें अगर हम फर्स्ट इंडेक्सिंग में, ठीक है, वन वन की बात करें, मीन्स ए वन वन की बात करेंगे अगर, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में सी आई जे की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो कुछ ऐसे होगी, सी वन वन मीन्स आई की वैल्यू वन है और जे की वैल्यू वन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन के पावर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन एंड यम वन वन, ठीक है। अच्छा, सबको पता है कि माइनस के वन के पावर अगर क्या होता है, इवन होता है, इवन का मतलब टू फोर सिक्स एट कुछ ऐसा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, पॉजिटिव होगी, ऑब्वियस है, क्यों पॉजिटिव होगी, देख लीजिए माइनस वन के पावर टू लिखा हुआ है, ठीक है, एक इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है मतलब क्या होगा, माइनस वन का दो बार मल्टीप्लाई, ठीक, ठीक है, माइनस वन इंटू माइनस वन दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव वन, ठीक है, यहाँ पर वन पहले से ही है, तो ये एक्चुअली में ये यूज क्यों हो रहा है, ये यूज इसलिए हो रहा है कि हमारा एम वन वन या यम वन टू या यम वन थ्री मतलब जो भी माइनर होगा उसका साइन क्या आएगा वो डिफाइन करेगा कौन, ये वाला टर्म, माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम सी वन वन की वैल्यू क्या आएगी, सी वन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन के पावर वन प्लस वन दैट मीन माइनस वन के पावर टू यम वन वन, मीन्स क्या हो जाएगा, सी वन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन के पावर टू पॉजिटिव मीन्स यम वन वन, ठीक। इसी तरीके से हम लोग सी वन टू निकाल लेंगे, सी वन टू की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है, तो ये वन प्लस टू हो जाएगा और यम वन टू आ जाएगी, ठीक है, वन प्लस टू ऑब्वियस है, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस वन के पावर थ्री यम वन टू दैट इज सी वन टू, और माइनस वन के पावर थ्री एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब क्या हो जाएगा, सी वन टू की वैल्यू माइनस में आ जाएगी यम वन टू। अब देखो अगर याद करने का तरीका है कि माइनस आएगा प्लस आएगा तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट इंडेक्सिंग देखिए आप और इनको जोड़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है, वन टू मीन्स क्या हुआ, जोड़ो, वन प्लस टू एडिशन क्या हुआ, थ्री आया, थ्री क्या है, ऑड नंबर है, मीन्स क्या होगा, साइन माइनस होगा, ठीक है। अब अगला अगर बात करेंगे हम ए टू टू, ठीक है, या ए वन सी वन थ्री, तो सी वन थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से यहाँ पर वन थ्री लिखा हुआ है, इनका एडिशन क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री दैट मीन्स फोर, फोर इज द इवन टर्म्स, इवन टर्म्स मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एम वन थ्री, ठीक है, ये निकालने का तरीका हो गया। अब ये निकल चुका है हमारे पास में, तो ठीक है, अब इससे डेल्टा कैसे निकलेगा, तो डेल्टा का फार्मूला कुछ इससे ये बनता है, ठीक है, डेल्टा इज, ठीक है, अब डेल्टा निकालना है हम लोग को, ठीक है, और किस निकालना है, को फैक्टर्स निकालना है, तो ऑब्वियस है पहले हम टर्म लिखेंगे, तो पहले रो के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं हम, ठीक है, तो ए वन वन लिखेंगे और इसके रिस्पेक्ट में को फैक्टर सी वन वन हो जाएगा, ठीक है, सर ने प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है, प्लस साइन के साथ में फिर ए वन टू आएगा, ठीक है, पहले वाले रो में चल रहे हम लोग, तो ए वन टू हो जाएगा और उसके साथ में को फैक्टर सी वन टू, ठीक है, उसके बाद में फिर से प्लस साइन, ए वन टू के बाद में ए वन थ्री आएगा और इसके रिस्पेक्ट में सी वन थ्री, ठीक। इसी तरीके से हम डेल्टा सेकेंड रो के टर्म में निकाल लेंगे, तो वो क्या होगा, ए टू वन सी टू वन प्लस ए टू टू सी टू टू प्लस ए टू थ्री और सी टू थ्री, डेल्टा इसी तरीके से ए थ्री वन सी थ्री वन ए थ्री टू सी थ्री टू ए थ्री थ्री सी थ्री थ्री। गाइस इनके बुक्स में जो आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं वो शायद ये सब ना आए, मे बी, लेकिन हो सकता है आ भी जाए, ठीक है, लेकिन जो ऑब्वियस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो माइनर और कोफैक्टर के बारे में पूछता है कि माइनर क्या होंगे इसके, कोफैक्टर क्या होंगे, ठीक है, तो जनरल हमको लगता है कि आप कर भी लेंगे काफ़ी अच्छे से, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, ठीक है, और कमेंट कीजिए, पूछिए, ठीक है, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक्स।